The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. What are triglycerides? क्यों इंपॉर्टेंट है ट्राइग्लिसराइड? क्या आपको डर जाना चाहिए आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं? क्या आपको नहीं डरना चाहिए? क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड क्या है? एंड इफ आई से, अगर मैं बताऊं आपको कि भी अगर ट्राइग्लिसराइड आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड दे टेल अबाउट योर हार्ट, आपकी हार्ट की हेल्थ कितनी अच्छी है, दे टेल अबाउट दैट. तो ट्राइग्लिसराइड मैटर करते हैं और आपको अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, आज इसके बारे में बताऊंगा. सो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर और सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो अगर आपके ट्राइग्लिसराइड हाई है तो आपकी हार्ट डिजीज की रिस्क बढ़ जाती है, नो डाउट, राइट. बट येस, ऑब्वियसली ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम किए जा सकते हैं इवन विदाउट मेडिसिन, बट येस समटाइम्स यू डू need medicines to handle triglyceride levels also. What are these medicine? What are these things? See, triglycerides are again a type of fat. ये आपके blood में मिलते हैं. तो क्यों, जब खाना खाते हो आप, जब आप कोई भी खाना खाते हो, आप जो calories body use करती है, calories जो नहीं काम आती है body में, जो extra carbohydrate खा रहे हो वो, या फिर जो फैट खा रहे हो, वो सब के सब ट्राइग्लिसराइड्स बन जाते हैं एट द मॉलिक्यूलर लेवल. सब के सब ट्राइग्लिसराइड्स बन जाते हैं और ये ट्राइग्लिसराइड जाके आपके फैटी टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं. सो ट्राइग्लिसराइड बनके आपके एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाएंगे तो आप मोटे होते जाओगे. वेरी सिंपल. और इस ट्राइग्लिसराइड से फिर बाद में अगर आप खाना नहीं खाते हो तो फैट निकल के एनर्जी बनता है, फैट बीटा ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सम हॉर्मोन्स और फिर आपको एनर्जी मिलती है. इसलिए आप जब भूखे रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती. सो इफ यू रेगुलरली ईट मोर कैलोरीज देन यू बर्न, सिंपल. अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, इफ यू आर ईटिंग हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, देन your triglycerides will be high. You will have hyper triglyceridemia. So, अगर आप बहुत ज़्यादा carbs खा रहे हो, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा तला चिकनाई वाला खा रहे हो, तो इन सारी चीज़ों में आपका triglyceride बढ़ जाएगा. So, this is bad for your heart, for your body. अच्छी नहीं है ये बात, ठीक है. So, normal range क्या है? एक सिंपल ब्लड टेस्ट, सिर्फ लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, 12 घंटे फास्टिंग का करने के बाद आपका पता चल जाएगा ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है. 150 से नीचे नॉर्मल होता है. नॉर्मल इज 150, बिलो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 1.7 मिलीमोल्स पर लीटर. और बॉर्डरलाइन हाई होता है अगर वो 150 से 199 या 200 तक है तो 1.8 टू 2.2 मिलीमोल पर लीटर. वेरी सिंपल. 200 के नीचे है तो बॉर्डरलाइन हाई है, 200 के ऊपर है तो हाई है, और 500 के ऊपर है तो बहुत हाई है भैया. 500 के ऊपर नहीं जाने देने का, नो 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 नो. तो 500 अबव और 5.7 मिलीमोल्स एंड अबव इज वेरी 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 हाई, एंड हाई इज 2.3 टू 5.5 मिलीमोल्स. तो आपके लिए जो लोग मोल्स वाले नहीं, अपने इंडियन वाले लोगों को तो मिलीग्राम्स में आता है. तो 150 के नीचे नॉर्मल, 150 टू 200 बॉर्डरलाइन, हाई इज 200 अबव, एंड 500 अबव इज वेरी वेरी हाई. वेरी हाई इज बैड फॉर ऑब्वियस रीजंस, बहुत वेरी हाई है. सो आपके ट्राइग्लिसराइड चेक होंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल चेक होंगे, लिपिड पैनल चेक होगा. और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में क्या डिफरेंस है? ये दोनों डिफरेंट है. ट्राइग्लिसराइड्स स्टोरेज टाइप का फैट है, वो स्टोर होता है आपकी बॉडी में और कोई काम नहीं है उसका. इट्स जस्ट अ एनर्जी स्टोरेज, फैट स्टोरेज, राइट. और कोलेस्ट्रॉल का एक्चुअल काम है आपकी बॉडी के सेल्स के एक एक सेल बनने में, एक एक हॉर्मोन बनने में कोलेस्ट्रॉल का काम है. सो दैट्स व्हाई यू नीड कोलेस्ट्रॉल. बट ट्राइग्लिसराइड्स आर समथिंग विच ऑब्वियसली एनर्जी के लिए आपकी बॉडी स्टोर करती है. यू डोंट रियली नीड इट बिकॉज एवरीबडी हैज इनफ फूड दीज डेज, राइट. दूसरे बेचारे जिनके पास खाना नहीं है उनको चाहिए, बट वी डोंट नीड इट इफ यू हैव इनफ फूड. सो व्हाई डू हाई ट्राइग्लिसराइड्स मैटर? हाई ट्राइग्लिसराइड्स कैन एक्चुअली हार्डन द आर्टरीज, थिकन द आर्टेरियल वॉल, एथरोस्क्लेरोसिस जो डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल्स एंड ऑल. सो दे कैन
दे कैन मेक मोर कोलेस्ट्रॉल स्टिकी टू दी आर्टरी, सो उसके वजह से स्ट्रोक होगा, हार्ट अटैक होगा, खून की नसों में क्लॉट बनेगा, खून की नसें कड़क होंगी, उनकी इलास्टिसिटी कम होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सो मेनी बैड थिंग्स. एक्सट्रीमली हाई ट्राइग्लिसराइड ओ मोर देन 500 कैन कॉज पैनक्रियाटाइटिस. पैनक्रियाज इज दी ग्रंथि इन योर इंटेस्टाइन्स एबडोमन के बीच में अंदर जो कि फैट को डाइजेस्ट करती है. इतना सारा फैट है आपकी बॉडी में कि पैनक्रियाज पागल हो रहा है, ये क्या हो रहा है. तो वहाँ एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है खतरनाक तरीके से. तो हाई ट्राइग्लिसराइड इज ऑफन द साइन ऑफ दिस दैट यू हैव हाई रिस्क ऑफ राइट, कि आप या तो मोटे हो, ओबेसिटी ऑब्वियसली फैट ज़्यादा है तो मोटे ही होंगे, मोटे ही हो रहे हो राइट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या फिर कोई ना कोई डेफिशिएंसी है एंजाइम की, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा राइट. और कभी कभी क्लस्टर ऑफ कंडीशन होती है कि भाई ब्लड प्रेशर हाई भी है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा है, शुगर भी बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, मोटापा भी है और सब कुछ है भैया मेरे को, ठीक है. सो दैट इज़ वेरी वेरी बैड. सो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड हाई है, लुक फॉर डायबिटीज़, लुक फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम राइट, लुक फॉर योर ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, आपको थायराइड लेवल चेक करना है, कोई कोई फिर बीमारियां निकल के आ जाती हैं. और हाई ट्राइग्लिसराइड कई बार दवाइयों का भी साइड इफेक्ट होता है, मतलब बिकॉज आप दवाइयाँ कुछ ले रहे हो तो आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो गए. ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं? ऐसी हैं स्टीरॉइड्स, जी हाँ स्टीरॉइड्स, बीटा ब्लॉकर्स, बीपी की दवाइयाँ आती है, हार्ट की दवाइयाँ आती है, आँख के लिए रेटिनॉइड्स, डायूरेटिक्स पेशाब ज्यादा आने वाली दवाई, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन्स है जो हार्मोनल पिल्स फीमेल्स लेती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स या एचआईवी की दवाइयों से, इन सारी दवाइयों से थोड़ा थोड़ा ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है. रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड दैट कैन कॉज सम प्रॉब्लम. सो इसीलिए रेगुलरली ये दवा लेते हो तो ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक कराते रहना है कि कितना हो गया, बस पता होना चाहिए और उसको कम करने के तरीके पता होने चाहिए. सो कम कैसे करोगे? रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, एक्सरसाइज करनी है. यू हैव स्टोर्ड एनर्जी, ट्राइग्लिसराइड इज स्टोर्ड एनर्जी, बथेरी स्टोर्ड, बैंक में पैसा पड़ा पड़ा सड़ रहा है, निकाल के खर्चा करो. यहां पे निकालना मतलब गो एंड रन, एक्सरसाइज 30 मिनट्स 20 मिनट्स मिनिमम रोज की एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, गेट रेगुलर एक्सरसाइज. जितनी ज्यादा एक्सरसाइज उतना ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स कम होगा. कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज द बेस्ट फॉर दिस. So exercise is very good for reducing triglyceride, LDL, bad cholesterol, very bad cholesterol, very VLDL और HDL बढ़ाने के लिए, good cholesterol बढ़ाने के लिए. Second, obviously आप storage energy use करना चाह रहे हो तो और ज़्यादा simple sugar तो नहीं खाना, right? मैं दौड़ के आया, मैंने 2 चम्मच शक्कर, 1 आइसक्रीम खा ली तो क्या फ़ायदा है, कि नहीं? So avoid sugars and refined carbohydrates. सिंपल कार्बोहाइड्रेट, शुगर वुगर यूज करोगे तो ट्राइग्लिसराइड यूज ही नहीं होगा, जो फैट यूज ही नहीं होगा, है कि नहीं? सो यू नीड टू यूज दैट. देन यू हैव टू लूज वेट. ऑब्वियसली लूज वेट कर रहे हो तो ट्राइग्लिसराइड यूज कर रहे हो, वेरी सिंपल, है ना. कैलोरीज कट कर रहे हो, एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी जो पड़ी हुई है वो यूज हो रही है एनर्जी में, ट्राइग्लिसराइड यूज हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड कम हो रहा है, राइट. और खाना ही है तो हेल्दी फैट खाओ, ऑलिव ऑयल्स, कैनोला ऑयल्स, ओमेगा थ्रीज, फैटी एसिड्स, राइट, फिश, कौन सी, मैक्रेल, सालमन, राइट, आपका इंस्टेड ऑफ घी, बटर, मक्खन, मलाई, ये सब की जगह ये यूज करो, राइट, हेल्दी फैट्स. एंड अल्कोहल भी कम करना पड़ता है बिकॉज अल्कोहल भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है. दारू पीने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, पीरियड. दारू शुगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ाते हैं, ठीक है. प्लस दारू से भी पैनक्रियास पे अटैक होगा, ट्राइग्लिसराइड से भी पैनक्रियास पे अटैक होगा, दोनों मिलके पैनक्रियास को उंगली करेंगे, आपके पैनक्रियास जल्दी खराब हो जाएंगे, रिमेंबर दैट. एंड अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो फिर दवाओं की जरूरत पड़ती है. देर आर सम मेडिसिन जो यूज होती हैं अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस से अचीव नहीं कर पा रहे, अगर लाइफस्टाइल चेंजेस कर ही नहीं पा रहे, करना ही नहीं चाहते, कर ही नहीं सकते, तो दवाई खानी पड़ेगी. Obviously, every दवाई has a side effect, everything has a side effect. So दवाई क्या है? Statin. Statin यानी cholesterol lowering medicines, जो कि cholesterol, blocked arteries, atorvastatin, बहुत सारी चीज़ों के लिए दी जाती है. Atorvastatin, rosuvastatin, etc., etc., etc. These are statins. Then fibrates, phenofibrates, and other type of phenoglides, other type of fibrates. ये specifically सिर्फ triglyceride level कम करने के लिए दिया जाता है, phenofibrate. Right? सर, खाने में वार्ड क्या? ठीक है, ओके. सो फिनोफिब्रेट्स, फिनोफिब्रेट्स इज दिस टाइप ऑफ दिस. देन फिश ऑयल्स,
फिश ऑयल्स एक्चुअली कैन लोअर योर ट्राइग्लिसराइड. जी हाँ, फिश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड, नॉट 369, ओनली EPA एंड DHA इन ओमेगा 3, नॉट ALA. इफ यू डोंट नो व्हाट दीज आर, गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन ओमेगा 3 ऑन यूट्यूब एंड यू विल अंडरस्टैंड, राइट? एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वाई ओमेगा 3 इज इंपॉर्टेंट. ओमेगा 3s कैन एक्चुअली रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग, आपकी क्लॉटिंग, आपके अंदर हार्ट अटैक के रिस्क कम कर सकते हैं. एंड देन वन मोर थिंग इज नियासीन. यस, नियासीन जिसको निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, ये भी आपके ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने में काम आता है. सो नियासीन कैन हेल्प एंड यू कैन एक्चुअली ऑल्सो टेक सप्लीमेंट्स ऑफ नियासीन, राइट? सो नियासीन और फिश ऑयल्स, दीज आर जस्ट सप्लीमेंट्स, राइट? दैट इज B3, विटामिन B3 इज द थिंग विच इज कॉल्ड नियासीन, राइट? सो नियासीन मिल जाएगा आपको उससे. और क्या, दैट इज ऑल अबाउट ट्राइग्लिसराइड विच यू नीड टू नो. सो बहुत सारी दवाइयां, नेचुरल सप्लीमेंट्स, लाइफ स्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज, डाइट, इन सब चीजों से आप अपना ट्राइग्लिसराइड्स को बाय बाय कर सकते हो बहुत ईजीली. सो अगर नियासीन नेचुरली खाना है तो वो भी आपके फिश, सैलमन्स, एवोकाडोज और टूना फिश, चिकन ब्रेस्ट, उसमें मिल जाएगा आपको. सो दैट्स ऑल गाइज, दिस इज अबाउट ट्राइग्लिसराइड एंड हाउ टू सेव योर लाइफ इन फ्यूचर. Thank you so much for joining me today and make sure to like and subscribe and hit the bell icon and share this video with every single person you know, every single group you have on WhatsApp, YouTube, Facebook. So this is Dr. Paramjeet. Thank you so much. Stay connected and stay healthy.